हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली आज मैं एक बाइक का रिव्यू देने जा रहा हूँ। वैसे उस बाइक को आप सब जानते हैं। उससे पहले कि आप लोगों को पता है कि सावन चल रहे हैं, तो एक बार हर हर महादेव के साथ आप लोगों की स्टार्टिंग करता हूँ और उस बाइक की तरफ लेके चलता हूँ। कौन सी बाइक है कौन सी नहीं, तो हर हर महादेव। तो आप स्टार्टिंग करते हैं, बाइक की तरफ लेके चलते हैं। ये है R15 वर्जन, 3.4 वर्जन है। वैसे 2022 से मैंने परचेज करी थी। अब आप लोग सोचोगे कि 2022 का मॉडल है और रिव्यू अब देने जा रहे हो इस बाइक का, भाई क्या है। 2023 में नया मॉडल लॉन्च हो चुका है, दो मॉडल लॉन्च हो चुके हैं, उनके बारे में बताओ। बट आप इसके बारे में क्यों बता रहे हो? बट गाइज, मैं भी सोच रहा था कि लेने के बाद रिव्यू दे दूँ, बट मैंने इसे एक साल इसका चलाया, परखा इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या है, आपको एडवांटेज मिलती है, क्या क्या इसके बेनिफिट है, ले ना ले, या KTM ले या दूसरे 200cc वाली बाइक पे जाए। तो मैंने सोचा एक, अब मैंने इसे चला लिया प्रॉपर, अब इस पर रिव्यू दूंगा मैं आपको कि इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं। बट मैं आज इसको पहले अगले वो लोग बताऊँगा कि इसके फ़ायदे या नुकसान क्या है, बट आज इसके बारे में प्रॉपर डिटेल दे देता हूँ कि आप इस बाइक को परचेज करोगे कि लोगों को थिंकिंग क्या है इसके बारे में कि भाई ये बाइक ऐसी है वैसी है। बट मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ A to Z, इसमें है क्या है नहीं। और नेक्स्ट वो लोग में आपको इसका एक नया वेरियंट मिलेगा जिसके बारे में उसको बताऊँगा। बेसिकली हम इसके फ्रंट के बारे में अब बात करेंगे, फ्रंट में है क्या। बेसिकली LED लाइट है और ये प्रोजेक्टर है। ये LED लाइट V3 में भी दे रखी है, बट उसके नीचे दे रखी है। बट जो ये इसका लुक हो रहा है ना, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। यूँ लगता है कि जैसे कि कोई हमें देख रहा हो, और इसके मॉडिफिकेशन करवाने के बाद तो और बढ़िया लगती है, ठीक है। और आगे इसके पहले डिस्पैड के बारे में बढ़ गए। ड्यूल चैन ABS है, जिसका साइज है 283 mm के हिसाब से, और पीछे वाला जो डिस है उसका इससे छोटा है, ये 220 mm का है, ठीक है। दोनों में ABS है, डिस्क ब्रेक है, बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। आप स्पीड में भगाओगे तो रोक देती है, बढ़िया परफॉर्मेंस, जैसे कोई दिक्कत नहीं आती कि भाई ब्रेक नहीं लग रहे वगैरह। अभी तक तो एक साल ऐसा हो गया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेकिंग में। आप बस मेंटेन सही तरह रखो, सर्विस टाइम पे लगाओ, तो बाइक बढ़िया रिस्पॉन्स देती है। अब बेसिकली इसे अलाइवल टायर साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो 100 mm का आगे है और 140 mm का पीछे है। जो बाइक लवर है वो बेसिकली क्या करते हैं, इस वाले टायर को मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं, वो 180 में करवा लेते हैं, 200 में करवा लेते हैं, और ये सब पोर्शन हटा देते हैं, और ये ताकि अट्रैक्टिव लगे। लिटरली वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है देखने में भी। तो मैंने अभी जैसे लिए वैसे ही स्टॉक है, जैसे कंपनी से लिए वैसे कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करा रखी। क्यों? क्योंकि मैं आपको रिव्यू देना चाहता था इस बाइक के बारे में कि हाँ भाई, ताकि मॉडिफिकेशन ना करवाऊँ, जैसी है वैसी आप लोगों को बता दूँ। अब हम मीटर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप ये नॉर्मली स्टार्ट करके ऑन करता हूँ, जैसे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये मीटर है, बड़ा जैसे चलाने में आपको कंफर्ट फील होगा, जैसे लगता है ना रेसिंग बाइक का मीटर है, वैसा मीटर आपको दिखता है। बट अब जो नए मॉडल है उसमें काफ़ी अच्छा और मीटर दे दिया है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये मैसेज है, ये कूलिंग है, ये टेम्परेचर है, TCS है, TCS का मतलब ट्रैक कंट्रोल सिस्टम। इसके बारे में प्रॉपर डिटेल आप कमेंट में कर देना, तो मैं नीचे बता दूँ ये किस काम के लिए यूज़ होता है, क्या होता है। ये ABS है अपने, और यहाँ पे यही सेम इंडिकेटर है, ये पासिंग है, ये न्यूट्रल है। तो ठीक है, इसमें चार मोड आते हैं, Trip 1, Trip 2 और स्ट्रीट और ट्रैक। आप इसको यूज़ करना, मैं बताने लग जाऊँ तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। जैसा भी आपको बाइक के बारे में डिटेल चाहिए आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगा, ताकि भाई इस बाइक का मीटर में है क्या है नहीं। और बाकी अब इसकी बात करते हैं पीछे वाले सिस्टम में। तो पीछे वाले में भी सेम मैंने बताया था आपको, 140 का टायर है और अलॉय व्हील ब्लैक है इसके, और आगे वाला भी ब्लैक है। बट अब अगले वाले जो आगे उसमें थोड़ा चेंजिंग है, इसमें तो बाकी जैसे कलर है तो वैसी अलॉय व्हील है, बट इसकी जो ग्राफिक है ना, ग्राफिक वो चेंज कर रखी है, वो वाइट दे रखी है, जैसे कि थोड़ा सा इसका अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ भाई इसमें ये प्रिंटेड कर रखे हैं और ये सब है। और ये VV टेक्नोलॉजी है, आपको पता होगा कि ये किस यूज़ में आती है किस यूज़ में नहीं आती, और पता नहीं होगा वो भी कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि आपको किस यूज़ में आती है VV टेक्नोलॉजी, किस काम के लिए आती है। बल्कि ये VV टेक्नोलॉजी ना इसलिए दी गई है ताकि जब आप 7,500 RPM पे जाएंगे ना, उसके बाद जो इंजन की है ना उसको परफॉर्मेंस देने के लिए, ताकि ये भगे जल्दी से। और वैसे भी अब इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे मेन है इसका इंजन। इंजन में है क्या दे रही है कंपनी, है ऐसे 55cc में से क्या दे रही है कि 200cc वालों की बैंड बजा रखी है इसलिए कि भाई दो पहले तो इनिशियल में तो पीछे ही रह जाती है, बट जब उसके बाद निकलती है ना, ये बोलते हैं ये तो पापा जा रहे हैं भाई, ये तो कौन गया, तो इस बाइक की 200cc वाले बीट कर देती है, आराम से बीट कर देती है, बट इनिशियल में नहीं कर पाती, वो एकदम निकल जाती है, फिर पीछे से आती है एकदम। तो अब इसकी इंजन की बात कर लेते हैं। कंपनी 155cc का इंजन देती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसका इंजन है लिक्विड कूल 4-stroke 4-valve SOSC का मतलब मेरे हिसाब से आधे लोगों को पता होगा, जो राइडर वगैरह को पता होता है प्रॉपर, जो वो बाइक लेने जाते हैं उनको पहले से ही पता होता है कि इस बाइक में है क्या।
और एसओ एससी के मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता क्योंकि लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में उसे भी कवर अप कर लेंगे। एसओ एससी का होता है क्या, बेनिफिट क्या है इंजन में, ये एसओ एससी किस यूज़ में आता है, तो इसीलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट इतना बताया था 155 सीसी का इंजन है, लिक्विड कूल 4-stroke 4-valve एसओ एससी, ठीक है। ताकि और 155 सीसी का इंजन है, मैंने सोचा मैंने स्टार्टिंग में बाइक के लिए मैंने सोचा यार 155 सीसी का इंजन है परफॉर्मेंस अच्छा देगी या नहीं देगी, बट मैंने जब 200 सीसी वालों को बीट किया ना स्टार्टिंग में, तो मैं इनिशियल में हार गया, बोलो भाई ये क्या हो रहा है, बाइक तो हारती जा रही है, बट ये जब निकलती है ना वीवे टेक्नोलॉजी जब लॉन्च होती है 7,500 RPM के बाद, ये जब इसकी ऑन होता है तो ऐसे भगती है जैसे कि पूछो मत, 200 सीसी वाला बोलेगा अरे भाई ये क्या हुआ, हमने इतने पैसे लगाए और ये है वो है, जब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये R15 है, ठीक है, KTM और R15 का नाम चलता है, कहीं पे भी चले जाओ, ZX Trainer वाले के पास के वो 1000 cc वाले के पास, BMW वालों के पास बंदी मिले या ना मिले, KTM और Yamaha वालों के पास जरूर मिलेगी बंदी, तो इसकी इन दोनों बाइकों की बात ही अलग है, ठीक है। और बाकी अब इसके बात कर लेते हैं फ्यूल कैपेसिटी की, कितनी इसमें फ्यूलिंग आती है, कितनी क्या है, कंपनी इसमें 11 लीटर बोलती है और 11 लीटर ही आती है, और मेन है इसकी एवरेज कंपनी क्लेम करके 40-50, मेरा जो ओपिनियन है कंपनी तो क्लेम करती है कि भाई 40-50 की एवरेज सर ये दे देती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसको चेक कर लिया सही तरह, स्पीड का तेल भी डलवा के देख लिया, उसे इतना चला के देख लिया, नॉर्मली जब इस बाइक को चलाओगे तो ये 30-35 की एवरेज दे देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती है, हाँ यदि आप बढ़िया तरह चलाओगे 40-50 तो ये दे देगी 40 से ऊपर की, बट इस बाइक को चलाने के बाद एवरेज देखोगे तो ऐसा रहने ही दो, इसे ना ही लो तो बढ़िया रहेगा, अब आप इस बाइक को ले लो फिर एवरेज के बारे में सोचो भाई ये 50 की एवरेज है, तो बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कि भाई आप जो कंपनी कहती है वैसा नहीं है, आप चलाओगे तो 30-40 की एवरेज ये दे देगी। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, ठीक है, इसका आगे वाला है USB फोक सस्पेंशन, ठीक है, जो बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, कभी आपको उबड़ खाबड़ रस्ते में काफ़ी कंफर्टेबल प्रोवाइड करवाती है, और सेम वैसे ही पीछे यमा कंपनी अपना खुद का सस्पेंशन दे रही है मोनोक्रोस सस्पेंशन, ये भी काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन है, आप एक को बिठा लो दो को बिठा लो उससे कोई फील नहीं आता कि हाँ भाई गाड़ी जंपिंग मार रही है या ब्रेकर पड़ रही है, वैसा कुछ नहीं है। और ब्रेकर पड़ने की बात से याद आया कि इसकी जो ग्राउंड की क्लियरनेस है ना वो 170 mm है, जो काफ़ी अच्छा देती है, मैंने अभी तक दो जनों को बिठा के देख लिया, कहीं पे भी नहीं अड़ रही, ब्रेकर पे भी नहीं अड़ रही कि हाँ भाई स्पोर्ट्स बाइक है कहीं ना कहीं नीचे अड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेझिझक लो बाइक को कोई भाई भाई ये बाइक ले रहा हूँ कोई अड़े तो नहीं, दो बंदे तीन बंदे बिठा के गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, 170 mm की नीचे गैप मिल जाता, काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है, कभी ब्रेकर वगैरह पे नहीं अड़ती है, ठीक है। और मेनली अब इसकी वेट की बात कर लेते हैं, अब बोलोगे भाई आप इसके बारे में वेट के बारे में क्यों बता रहे हो, बट गाइस डिपेंड करता है वेट, मान लो कि कोई पतला जैसे मेरे जैसा है या मैं लंबा हूँ थोड़ा सा, तो मैं इसको मेरे लेग है ना थोड़े लंबे हैं तो मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ इधर उधर से, अब मान लो थोड़ा हाइट का छोटा हो, और वैसे इसका वेट है 140 kg, जो काफ़ी अच्छा खासा वेट है, ताकि आप जैसे किसी नॉर्मल बच्चे को दे दे कहीं गिरान आ दे उससे उठेगी भी नहीं है बाइक, तो गाइस आपको वेट होना भी बहुत ज़रूरी है, वेट पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ इस बाइक का वेट क्या है, ठीक है। बाकी तो ओवरऑल मैंने इसके ग्राफिक वगैरह लुकिंग के मामले में गाइस इस बाइक का कोई तोड़ नहीं है, जब आप मैं बता रहा हूँ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, जब रोड पर लेकर चलोगे ना तो आप रेड लाइट पर लुकोगे अरे भाई ये कौन सी बाइक है, जिसे नॉलेज नहीं है भाई ये कौन सी बाइक है, ये कितना एवरेज देती है, ये कौन सी ऐसी बाइक है भाई, लुकिंग के मामले में जहर है। और गाइस जिसके पास मैं बता रहा हूँ जो लड़के बैठे हैं वेले, हाँ भाई मेरे पास बंदी नहीं सेट हो रही ये है वो है, तो गाइस एक काम करो घर वालों से काम धंधा करो, 1-2 lakh rupees इकट्ठे करो और इस बाइक को ले लो, और पॉलिश वगैरह मार के दो बार आगे ID मेंशन करवा लेना अपनी जो भी इंस्टा ID है, और लड़की सामने 2-3 बार गेड़ी मारो, अगले दिन आपके पास खुद ही मैसेज आ जाएगा, ये बाइक का इतना क्रेज़ है, कहीं पे भी मैं रोड पे चलता हूँ ना तो लड़के मुड़ मुड़ के रिक्शे में बैठती जरूर देखती है कि भाई बाइक तो बड़ी कदर ले रहा है, मेरी शक्ल जरूर देखे ना देखे बाइक को जरूर देखेगी, हाँ भाई ये बाइक है कौन सी, बड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है, आपने KTM की लुक देख रखी है, NS की लुक देख रखी है, और भी जो अभी और भी कई बाइक लॉन्च हुई है, बट जो इसका लुक है ना लुकिंग के मामले में गाइस ये मैं बोल रहा हूँ बेस्ट है, बेस्ट बिल्कुल ही बेस्ट है। और आगे की जो इसकी लाइट है ना, जो V3 थी ना उसकी लाइट थोड़ी सी लगती थी हाँ भाई ठीक है, बट वो भी काफ़ी अच्छी है, बट जो इसकी लाइट है ना वो लगती है लड़कियों की आँखों की तरह, जो लगती है खा जाएगी आपको देख के आँख मारती है, ऐसी लाइट है इसकी, और जब रोड पर चलती है ना भाई फील ऐसी आती है भाई हाँ मैंने जो 2 lakh rupees इस पर फंसाए हैं या जैसा कि पैसे फंसाए वसूल है सारे गाइस, आप चलाओगे तो ऐसा कंफर्ट फील करोगे कि ऐसा कोई कि भाई मैंने कौन सी बाइक ले ली, बहुत बढ़िया बाइक है। और बाकी आपको इस बाइक के बारे में थोड़ी सी जैसे लुकिंग के मामले में बेस्ट है, तो थोड़ा इसका प्राइस थोड़ा सा है कि सीसी के मामले में कि भाई इंजन 155 सीसी का प्राइस इतना ज़्यादा वो थोड़ा है यमा वालों ने थोड़ा इसका प्राइस हाई रख रखा है, बट
सीसी के मुकाबले अगर लुकिंग के मुकाबले में तो बेस्ट है गाइस ये। हाँ भाई आप इसे ले सकते हो, किसी कोई लड़का है कि हाँ भाई मुझे बेस्ट 2 लाख में कोई बढ़िया बाइक चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूँ इसी को प्रेफर करें। 200 सीसी वाले की तो ऐसी बैंड बजा लेगी, अब बोलोगे भाई 200 सीसी की ले लेंगे भाई, KTM ले लेंगे, वो ले लेंगे भाई, जो इसका करेजा इसका करेजा, और जो KTM का करेजा लड़का है कि हाँ भाई मुझे बेस्ट 2 लाख में कोई बढ़िया बाइक चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूँ इसी को प्रेफर करें। 200 सीसी वाले की तो ऐसी बैंड बजा लेगी, अब बोलोगे भाई 200 सीसी की ले लेंगे भाई, KTM ले लेंगे, वो ले लेंगे भाई, जो इसका करेजा इसका करेजा, और जो KTM का करेजा, KTM अपनी जगह है और R15 अपनी जगह है, तो इसका बीट ना करे 200 सीसी वालों की बाइक के चलते कि भाई 200 सीसी वाली से आ रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, पप्पा है ये उसका पप्पा, ठीक है। इनिशियल मैं मानता हूँ कि हाँ भाई पीछे हो जाएगी, बट जब पीछे से निकलेगी ना तो मैं बता दूँ। और बेसिकली मैंने ब्लैक कलर ही लिया, ब्लू भी आ रहा था, रेड भी आ रहा था, बट रेड और ब्लू में मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने ब्लैक लिया है। आप देख सकते हो ब्लैक की कैसी लुकिंग आ रही है, अब ब्लू ले लो उसमें स्क्रैच आ जाते दिख जाते हैं, रेड ले लो उसमें भी स्क्रैच आ जाते दिखते हैं, बट इसमें थोड़ा छुप जाते हैं स्क्रैच, अभी तक मेरे सिर्फ एक आगे स्क्रैच आया थोड़ा बहुत, जैसे दिखा सकते हो आगे, ये एक दिन गली में खड़ी थी और बच्चों ने गिरा दिया था स्टैंड से, तो आगे एक स्क्रैच आया, देखो वो नॉर्मली दिख भी नहीं आएगा होगा वीडियो में, अब ये पास करके ला रहा जब दिख रहा है। बाकी लुकिंग के मामले में बेस्ट है, मैंने आपको मेनली जो हार्डली है जो बता दिए, आप अभी जैसे आपको नया मॉडल लॉन्च हुआ है उसके बारे में डिटेल चाहिए या कंपैरिजन चाहिए, नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं जरूर बता दूँ हाँ भाई ये बाइक लो या ये मॉडल लो या ये नहीं लो। बेसिकली है बहुत बढ़िया बाइक, मैंने तो अपना ओपिनियन बताया है, और बाकी आपको और कुछ भी पूछना है इसके मीटर के बारे में, ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, SOSC क्या होता है, भाई ये किस यूज़ में आता है, वो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं नीचे सारी प्रॉपर डिटेल दे दूँगा, और ये ट्रैक कंट्रोल कैसे लॉन्च होता है कैसे नहीं होता। बाकी बाइक बहुत बढ़िया है, जिस हिसाब के पैसे उस हिसाब की बाइक है, कोई बोलता भाई 2 लाख में आपको इससे 55 CC मिल रही है, भाई 55 CC मिल रही है, बस 200 CC वालों की तो बैंड बजा रखी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 55 CC है तो कुछ भी, जब इसकी VVA टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है ना तो ऐसे जाती है कुत्तों की तरह भगती है, रोड पे चलती है, ठीक है, NS पल्सर वालों की तो बैंड बजा रखी है 200 CC वालों की। बाकी और कुछ मैं इसके नॉर्मली, अब आपको ऐसे करना चाहिए, आपको यामा R15 V4 लेनी है तो कंपनी में जाना है, कुछ पता नहीं करना, दो गड्डी रखनी है 500 की, 2 लाख रुपए देने हैं और लेके आ जाना, कंपनी वाले बोलेंगे सर इस बाइक के बारे में कुछ बताना, बोला भैया रहने दो कुछ नहीं बताना हमें सब पता है, ठीक है गाइस। और आई होप ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट ब्लॉग के आप नीचे कमेंट कर देना, जिस बाइक के ऊपर भी आपको चाहिए कि हाँ भाई मुझे इस बाइक के रिव्यू दे दो, इस बाइक का मन भाई रिव्यू दे दो, तो मैं बाइक का रिव्यू लेके आ जाऊँगा, बट अभी मैं इसके बारे में और भी आप लोग कुछ पूछो नीचे कमेंट कर देना हाँ भाई ये है। और बाकी आपको आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जाते जाते एक चीज़ कर देना जरूर, ताकि मैं जैसे मोटिवेट हो सकूँ आगे नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ, कृपया करके मेरे चैनल को भारी बहुमत के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ओके।